Hello guys, welcome to the Sai Shraddha Education YouTube channel. Odisha Staff Selection Commission ra sabu exam re computer and internet awareness ra importance samaste janicho kichi kahiba darkar ne phir bhi samaste janicho je 81 pilang karo 21 mcq jasuchi 21 mcq jasuchi cgl bhi 21 mcq jasuchi high school teacher ra 20 mcq something asuchi okay अदर एग्जाम्स रि आपर 20 एमसीक्यू आसूचे ओके तो कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस गोटे इम्पोर्टेंट रोल कर प्रिलिम एग्जामिनेशन रे ओके आपन को जो प्रिलिम एग्जामिनेशन हम से कंप्यूटर गोटे इम्पोर्टेंट तो यही क्लास गुड़िक से मैं जो मैंने ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंडर सब एग्जाम गुड़ी अटेंड करेंगे ओके बुझिपाल जो मैंने चैनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ सब्सक्राइब जो बेल आइकन अच्छे क्लिक कर दिखाँ अपकमिंग वीडियो जहाँ भी आसो रिलेटेड टू द ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आपको नोटिफिकेशन मिले अपने क्लास गुड़ी अटेंड करेंगे ठीक अच्छे तो ऑलरेडी आम तीन टा क्लास कंप्लीट कर सारीचे कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस रि कौन करुच्चे ना ओनली एमसीक्यूज डिस्कशन करुच्चे टिल आपर एग्जाम होगा पर्यटन टिल आपर एग्जाम कंप्लीट होगा पर्यटन आम एमसीक्यूज डिस्कशन करुचे थ्योरी क्लास गुड़िक आम आप प्ले लिस्ट को जी साई श्रद्धा एजुकेशन यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जी से प्लेलिस्ट रे आपन को कंप्यूटर इंटरनेट अवेयरनेस रे प्लेलिस्ट शो करेंगे से क्लास गुड़ी करें ओके तो से थ्योरी एटी ओनली एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे आ किसी डिस्कशन करेंगे ना ओके चलो तो देखने 31 क्वेश्चन अलरेडी मुझे 30 क्वेश्चन डिस्कशन हो सारी ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट इंपैक्ट प्रिंटर देखो प्रिंटर आमर कौन ना जो आम प्रिंट करूचे गोटे आउटपुट यूनिट गोटे आउटपुट डिवाइस ना नहीं प्रिंटरटा ओके जो रिजल्ट शो कर आउटपुट शो कर ओके गोटे हार्ड कॉपी रे ओके तो प्रिंटर रो डिफरेंट टाइप्स हो गए इंपैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर डिफरेंट टाइप्स से इंपैक्ट प्रिंटर एथरु कोटा कोटा इंपैक्ट प्रिंटर इंक जेट प्रिंटर हो गला बबुल जेट प्रिंटर हो गला लेजर प्रिंटर हो गला डेजिवल प्रिंटर हो गला ओके तो हमें इंपैक्ट प्रिंटर विषय प्रथम जानी नबा ओके देखो प्रिंटर आउटपुट यूनिट गोटे इंपैक्ट प्रिंटर कौन द इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन एटा एग्जाम पचारे को प्रिंटर रिबन यूज करे देन रिबन परे देन पेपर ऊपर डायरेक्टली प्रेस हो जाए ओके व्हिच इज देन डायरेक्ट प्रेस्ड ऑन द पेपर दैट इज द पर प्रिंट हे बाहर तो ए रिबन विषय पचारे दे एग्जाम रे के रिबन को प्रिंटर यूज करूची तो ए इंपैक्ट प्रिंटर रो जो एग्जांपल गुडी मन रखियो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो मैक्सिम एग्जाम पचार गोटे डेजिहल प्रिंटर गोटे मैक्सिम एग्जाम पचारे बैंड प्रिंटर चेन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर ओके लाइन प्रिंटर तो यही सब गुड़िक आप इंपैक्ट प्रिंटर एग्जाम्पल गुड़िक तो सरी तो आपण मैंने इंपैक्ट प्रिंटर कौन जान लें तार एग्जाम्पल गुड़िक जान लें एथर एग्जाम क्वेश्चन पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट प्रिंटर तो कौन हो डेजिबल प्रिंटर डेजिबल प्रिंटर टाइम कौन इंपैक्ट प्रिंटर आसूची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 32 नंबर क्वेश्चन व्हिच मेजर ऑफ मेमोरी इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट कोटा इटा होची आपनकर मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट ओके एटा होची किलोबाइट एटा किछ कहिबा बुझिया दरकार नै आपण समस्त जानि छै टेराबाइट टा हाईएस्ट थाय हले फर्स्ट किलोबाइट आसीबो किलोबाइट किलोबाइट रु बडो के मेगाबाइट मेगाबाइट रु बडो के गीगाबाइट गीगाबाइट रु बडो के टेराबाइट ओके एई भले तो आको ऑलरेडी म कहितली तो एई चारटा मन रखि दबो बिट आपण कर 01 निबल होची चारटा बिट बाइट होची 8 बिट ओके देन किलोबाइट 1024 बाइट ओके किलोबाइट देन मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट पेटाबाइट एग्जाबाइट जेटाबाइट एटाबाइट सब दे मन रखते एग्जाम किसी भी पचार दे पारे 33 नंबर क्वेश्चन कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी यूनिट कोटा सेकेंडरी यूनिट ने कही जो मेमोरी यूनिट पड़ा टाइम रे कि मेमोरी आम प्राइमरी मेमोरी गोटे सेकेंडरी मेमोरी कौटा नुहे आप जो रैम आसीगला यहाँ हूँ आप प्राइमरी मेमोरी कैटेगोरी आसूच
ओके बाकी गुड़िक डीवीडी हो गला मैग्नेटिक टेप हो गला पेन ड्राइव हो गला ए सब दिग कौन ना सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी अंडर आसूच तो होपफुली समस्त बुझीपुर थो आंसर कौन हो राम हो अलरेडी आम एग्जाम्पल देला मैग्नेटिक टेप देला ओके देन डीवीडी देला देन पेन ड्राइव देला देन राम देला ओके तो राम टा आमर कौन ना अपना प्राइमरी मेमोरी अंडर आसूच तो बाकी दिग कौन सेकेंडरी मेमोरी क्वेश्चन कौन पचार फल नॉट ए सेकेंडरी मेमोरी यूनिट ओके क्लियर है समस्ते 34 नंबर क्वेश्चन देख 34 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ह्विच वन इज नॉट द एग्जांपल ऑफ ऑक्टल नंबर एथरो कोटा ऑक्टल नंबर नुहे तो ऑक्टल नंबर को कहिछि ऑक्टल नंबर कौन थ्योरी में कहितली 0 रु 7 भितरे जो डिजिट गुडा को हबो को कह को जे ऑक्टल नंबर को जे तो एटा त हे परि ऑक्टल एटा हे परि बने कारण 9 आ एफ टा वेरीज करछि एटा अपन कर हबनी नेक्स्ट 5 6 7 हे परि 420 नै परि त बी हे जीव आंसर बुझि परलो देखो सॉरी डेसिमल ले कहितली इट कंसिस्ट्स ऑफ 10 डिजिट 0 टू 9 ऑक्टल इट कंसिस्ट्स 8 डिजिट ओके 0 टू 7 हेक्साडेसिमल मन रखियो हेक्साडेसिमल 16 टा यूनिक डिजिट जोटा कि 0 रु 9 और एफ रे भरी कर ओके इति मन रखन नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कौन 1 प्लस 0 कौन हम 1 हम एटा समस्त मन रखी दियो आपण जो बी ट्री जितिक रहा 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 केते ना 0 कैरी करिव 1 एटी कैरी करिव 1 कैरी 1 माने माने 1 प्लस 1 माने 10 हला एटी शून्य रखी कि जेते भी कैलकुलेशन करिवे एकटा कैरी करिवे ओके देन आसला 0 प्लस 1 1 देन 0 प्लस 0 0 ओके okay, इतनी मन रखे तो हमारे ये आंसर कौन है जो 1 प्लस 0 1 एडे चार्ट टा देखियो मन रखि दबो ओके एठी जेमती 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 10 0 विथ कैरी 1 करिवो ओके 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 एठी सपोज मु ऐड करी जे एठी ट्रिपल 1 0 सहित 100 तो ऐड करले 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 1 1 केते 10 शून्य रखि के 1 कैरी कला एठी की एठी कैरी कला देन 1 प्लस 1 के 10 तो 1001 हे गेला 1010 हे गेला क्लियर हला बुझि पाले समस्ते ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एठी दला 36 नंबर क्वेश्चन आउट दला कि 1 प्लस 1 प्लस 1 कोन 1 रे मु जदी 1 ऐड करबे के 10 शून्य खेला एठी कैरी 1 करबो देन एठी आउ किछ नै देन 1 एठी 10 हे गेला देन पुनी सेतर ऐड कर 1 तो शून्य प्लस 1 केते 1 पुनी 1 के 1 ते आंसर कोन हि जिबो 11 हि जिबो आंसर बुझि पाले समस्त 1 प्लस 1 प्लस 1 कोन 11 ओके क्लियर समस्त बुझि पाले 37 नंबर क्वेश्चन कोन कहला 37 नंबर क्वेश्चन को डैश इज रिक्वायर्ड टू बूट ए कंप्यूटर बूट विषय पचारा जिते बड़े कंप्यूटर ऑफ सिचुएशन अच्छी जो अपने पीसी लैपटॉप जहाँ भी ऑन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुए तो से लोडिंग टाइम बुटिंग कहा जाए कारण ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा से अदर प्रोग्राम गुड़ी को एक्सेस दिए कि अदर प्रोग्राम गुड़ एक्सेस दब कि बाकी गुड़ी को फंक्शन करने ओके तो आपर ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू बूट ए कंप्यूटर ओके इटे देखो बुटिंग विषय भी कही दूसरी व्वेन कंप्यूटर स्टार्ट जो कंप्यूटर स्टार्ट कर द ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट लोडेड हम ओके आज इट इज एसेंशियल फॉर रनिंग ऑल द प्रोग्राम सब प्रोग्राम गुट रन करने दिस इज नोन एज बुटिंग गोटे कोल्ड बुट था गोटे वार्म बुट था कोल्ड बुट कौन जो आप टर्न ऑन करेंगे कंप्यूटर को ऑफ पोजिशन जो ऑफ पोजिशन टर्न ऑन करेंगे दैट इज कोल्ड बुट वार्म बुट कौन जो आप कंप्यूटर रनिंग कंडीशन थी कम करू मजे रिस्टार्टिंग करेंगे दैट इज योर वार्म बुट ओके दीटा मन रखते भेरी भेरी इंपोर्टेंट किसी भी पचार दिवार एग्जाम्पल ओके नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वार्ड गोटे वार्ड लेंथ के बीट आम जानते समस्ते कि बीट हूँ वार्ड लेंथ टा ओके 39 नंबर क्वेश्चन सॉरी व्हाट इज एमएस डॉस एमएस डॉस कौन आम ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये समस्त जानी किसी कहवा भी दरकार नहीं जो मैंने जानी तो नोट कर रख माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे ऑपरेटिंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम पचार दिए बहुत जगह बहुत तरह भी आसी मेनि टाइम्स भी आसी एक्सपेक्टेशन भी अच्छे आगे भी आसो ओके लास्ट क्वेश्चन आज 40 नंबर क्वेश्चन हूँ जब फल कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल देखो मेमोरी बहुत गुड़े क्वेश्चन मुझे करदेवि जहाँकि आपने एग्जाम पूर्व ये एमसीक्यूज करेंगे एक्सपेक्ट करवा कि
आमे पढ़ी डिस्कशन कर सब एमसीक्यू जो क्वेश्चन गुड़ एक्सपेक्ट करवा ओके देन आसला हूँ फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कोटा डायनामिक रैम स्टैटिक रैम रैम ये तीन टाक गोटे कैटेगोरी आपर वोलेटाइल मेमोरी वोलेटाइल इन द सेंस कौन जिते आप पावर ऑफ करेंगे आप डाटा गुड़ सेव हम ना रैम हूँ रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली मेमोरी आपर कौन यहाँ हूँ नॉन वोलेटाइल मेमोरी नॉन वोलेटाइल इन द सेंस कौन आप डाटा टा परमानेंटली स्टोर रहा है जब पावर ऑफ हो गले भी तो ये पचार नॉन वोलेटाइल मेमोरी किए आप रैम हो ओके बाकी सब दिए कौन वोलेटाइल मेमोरी ये देख प्राइमरी मेमोरी आम दी प्रकार गोटे रैम होगा रैम होगा जो मेन मेमोरी भी कहे ओके रैम को भी मेन मेमोरी भी कहे ओके एग्जाम पचारे फल मेन मेमोरी आप प्राइमरी मेमोरी रैम हो पार रैम हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी इट लॉस द डाटा व्हेन पावर गेट्स स्विच्ड ऑफ ओके टू टाइप्स ऑफ रैम गोटे एस रैम गोटे डी रैम गोटे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी गोटे डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक अच्छे क्लास कमी लगेगा निश्चय जानवे जब क्लास भल लगे देन लाइक कर जो मैंने न्यूली जॉइन करते जानूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ सब्सक्राइब पाइज बेल आइकन ताको क्लिक कर दिखे अपकमिंग वीडियो जहाँ भी आसो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ओके होपफुली आम रिसेंटली आम करेंट इवेंट्स भी डेली सीरीज नहीं आसवा आपको एग्जाम ओरिएंटेड ओके जो नेशनल इंटरनेशनल रिगार्डिंग ओके स्टे ट्यून थैंक यू गाइस।